भाईजान तीन तीन तीने लगा देना। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजमाबाद में। यहाँ का एक फेमस स्पॉट है जिस जो असली पिशावरी सूप के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये सेटअप है इनका। और यहाँ पे लोग जो हैं, यहाँ पे रश, इस रश से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग क्रेजी हैं इस सूप को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आया, और इस पॉइंट के हवाले से अगर बताते चलूँ कि ये 60 साल पुराना पॉइंट है, और इसका नाम है असली पिशावरी सूप। आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब मैंने इनिशियली वीडियो बनाने से कबल जब मैंने इनसे पूछा और इस सारे सेटअप को देखा, तो यहाँ पे इनका बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कीमतें भी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सर्विस का इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि आपको खुद ही आपको पैसे देना पड़ेंगे, पैसे देने के बाद आपको ये सिक्के देंगे, और सिक्के देने के बाद आपको ट्रे लेना पड़ेगा, और ट्रे में आप खुद ही इनसे कप लेंगे और अपने मखसूस जगह पे जाके बैठ के आप उसको नोश करेंगे। मतलब आपको ये खुद ही ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे ऑन टेबल, बल्कि आपको खुद ही लेना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस है, और इस दौरान आपको जेब कतरों से भी होशियार रहना होगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ की इस यखनी का, जो बेसिकली सूप कहलाती है, यहाँ के लोग इसे सूप बोलते हैं, इस यखनी को मैं टेस्ट करूँगा और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। आ जाए, अभी हम दो सीना और दो कप वो ऑर्डर दे रहे हैं। दो सीना और दो कप। ये दो सीने के और दो कप के हमने सिक्के दे दिए। अभी हम ये सिक्के लेके आगे जाएंगे और उनसे थाल में लेंगे, ठीक है, और फिर उधर बैठ के रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसी में ले जाओ, दो सीने दो कप जो है ना सूप की प्रिपरेशन हो रही है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे सूप को सर्व किया जाता है। उस तरफ वाले भाई जो है ना वो शापुर में पैक कर रहे हैं पार्सल के लिए, जो लोग पार्सल ले जाना चाहते हैं उस देख में से लेके जाते हैं। और जहां अगर यहां पे सेल्फ सर्विस यहां पे लोगों को सर्व किया जाए, या लोग सेल्फ सर्विस के लिए यहां पे आते हैं और खड़े रहते हैं और उनको कप में सर्व किया जा रहा है। आप देखें कप, मुख्तलिफ कप्स जो हैं वो रेडी हैं और उनमें सूप को डाला जा रहा है, गर्मा गर्म लाजवाब सूप। और इसमें चॉइसेस भी होती हैं आपके पास कि आप सीने का पीस लें सूप के साथ, या रान का पीस लें, या गर्दन का पीस लें, या फिर अंडा यखनी के साथ इसको, अंडे के साथ इसको टेस्ट करें। याद रहे अंडा जो है ना यहाँ पे देसी अंडे को, देसी अंडा होता है और 70 रुपये का अंडा होता है, ठीक है, उबला हुआ अंडा, ठीक है, और उसके साथ यखनी होती है। तो अंडा यखनी का बेस्ट कम्बिनेशन है सर्दियों में। आप देखें इस वक्त जो है ना बहुत तेज़ी से भाई स्पीडी काम कर रहे हैं। आप देखें ये एक बैच रेडी हो रहा है इस वक्त, और रात को 3 बजे तक, यहाँ पे 9 बजे से लेके रात को 9 बजे से पहले, मतलब शाम को भी यहाँ पे स्टॉल रेडी हो जाता है इनका, और रात को 3 बजे तक, लेट नाइट तक आपको ये सर्व करते हैं। और लेट नाइट को भी आप विज़िट करें, यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके आर्डर को प्लेस होने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, मतलब आपको कतार में रुक के और अपना ऑर्डर प्लेस करना है, और उसके बाद आपको सेल्फ सर्विस खुद ही आपको वो ऑर्डर लेना है और अपनी जो निशिस्त है वहाँ पे जाके आपको नोश करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा हेक्टिक एक्टिविटी है, और इस दौरान आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि जहाँ पे जेब कतरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इन्होंने बाज़ाबता तौर पर अपने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि जेब कतरों से होशियार रहें। अभी ये देखें प्लेटों में भी सूप को डाला जा रहा है, और अभी ये जो स्पीडी काम ऊपर छिड़काव का कर रहे हैं ना, ये काली मिर्च और नमक का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, आप देखें बहुत स्पीडी काम हो रहा था। इस व्लॉग में आप जो है ना आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे ना, और ये बड़ा चार्मिंग मतलब सीन है, फिनोमिन है। और यहाँ पे पीछे आप कतार देखें, पार्सल के लिए भी बड़ी कतार है लगी हुई, लंबी कतार, और सारे लोग जो है ना पार्सल के लिए रेडी हैं। यहाँ पे पीछे बनाया जाता है और पीछे से ला के बाल्टियों में इन देगों में डाला जाता है, और यहाँ इसे गर्मा गर्म जो है ना सर्व किया जाता है, ठीक है।
अब इस बैच जो प्रिपेयर हो रहा है इसमें मुख्तलिफ अंडा यखनी है, सीने का पीस यखनी है प्लेटों में, और साथ साथ जो है ना कप भी रेडी हो रहे हैं। आप देखें उस देग में से निकाल के नीचे वाली जो स्माल देग है जहाँ पे जहाँ से डायरेक्ट सलून को सर्व किया जाता है उसमें डाला जा रहा है गर्मा गर्म सूप। ठीक है, आप देखें एक बाइक की ट्रे जो है ना वो रेडी है। अच्छा, लोग फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पे और फैमिली के साथ जो है ना इस सूप को इंजॉय करते हैं। आप देखें ये वाली तीन जो है ट्रेज रेडी हो रही हैं। आप देखें क्या कमाल का फिनोमेना है। अभी जो है ना मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और सूप को ट्राई करूँगा और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखते जाइए। याद रहे इस फुटेज को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको बताया जाए कि कैसे सूप को, देसी सूप को यहाँ पे सर्व किया जाता है। और ये जो सर्विंग स्टाइल है ये काफ़ी अमेजिंग है और हैक्टिक भी है क्योंकि आपको कतार में खड़ा रहना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। ठीक है, आप देखें ये एक बड़ा थाल रेडी हो रहा है फैमिली के लिए। आप देखें अंडा यखनी का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था और इसके साथ अभी कप भी रखे जा रहे हैं। आप ये देखें, ठीक है, अब ये जो कप है ना ये पूरा थाल रेडी हो गया फैमिली के लिए। अब इसके बाद हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, अभी हम भी कतार में खड़े हैं और यहीं पे वाशिंग कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है इन्होंने किया, सब चीज़ें वाश करके साफ पानी से रख के फिर उधर आ गए। आज राम नहीं, आज सीने पे गुजारा होगा क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे टाइम पे आए हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ता है। अंदर चल भाई, ये आ गई हमारे सीना और विद सूप दो कप हैं, ये एक मेरा कैमरा में और एक में। पहले टेस्ट करते हैं सूप को कैसा है। ये बेसिकली यखनी है, इसको आप सूप नहीं कहेंगे, और कमाल मज़े का है। काली मिर्च का टेस्ट और जो अर्क है ना गोश्त का, कमाल मज़े का, मज़ेदार है। और सर्दियों में ना खसूसन कराची में तो कल शाम को बारिश हुई है, उसके बाद सर्दी में इजाफा हो गया, तो आप इधर क्रेज़ी आपने रश देखा होगा, तो इसीलिए लोग सर्दी का जो इफेक्ट है ना उसको कम मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और कमाल है यार, जायका बेमिसाल है। ये उन्होंने सीने का पीस दिया है, 7 चम्मच है, ऊपर जो है ना काली मिर्च का छिड़काव किया हुआ है। क्या कमाल है, मज़ा आ गया भाई यार, तुम्हारे लिए खाना कोई मसला नहीं भाई, कमाल है यार, मज़े का टेस्ट है दोनों का। इसीलिए ना ये वाला पॉइंट जो है ये पूरे कराची में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और स्पेशली ये जो नाजमाबाद के लोग हैं ना ये यहाँ का विज़िट करते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में ये रात को 3 बजे तक ये ऑपरेट करता रहता है ये वाला पॉइंट, और रात को 3 बजे भी आपको यहाँ पे सूप मिलेगा। क्या कमाल है, और सर्दियों में यहाँ पे तो आपको तकरीबन मेरी तरह 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। अभी तो रान का मैंने एक्चुअली डिमांड की थी रान की, तो रान का जो वो अवेलेबल नहीं थी, और सीने पे हमने अभी गुजारा किया है और मज़े का टेस्ट है यार। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी विज़िट करें यहाँ का, और आपको मज़ा आएगा, मज़ेदार यखनी आपको, इससे बेहतर यखनी आई थिंक कराची में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको एक और चीज़ बताऊँ, इस अगर इस पॉइंट की लोकेशन का बताऊँ तो ये खिलाफत रोड अबाउट जो खिलाफत चौक है उसके बिल्कुल साथ है, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक नंबर 5, वहाँ का विज़िट करें आप, और आप यकीनन आप इसके वो इसकी टेस्ट से ना टेस्ट के दिलदादा हो जाएंगे। कमाल टेस्ट है, मज़े का है। और अभी तो मैंने टेस्ट कर लिया है, रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
कि आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।